हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। रामानुजन सीरीज आप लोग का चल रहा है, बहुत प्यारा सा सीरीज क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। मैं एक चीज बता दूं कि अभी वाला जो सीरीज चल, अभी जो आप लोग का जो अभी मैं रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक चल रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे सीरीज है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे जो 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 मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बातें हो रही हैं। जो फंक्शन है, फंक्शन से आज मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा, बातें करूंगा। देखिए फंक्शन, रिलेशन, फंक्शन रिलेशन के बारे में मैंने बहुत चीजें आप लोग को बताया, क्वेश्चन भी कराया आपने किया भी, लेकिन फंक्शन थोड़ा सा डीपली समझिएगा। मैं यहाँ पे पार्ट वाइज डिवाइड किया हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं पार्ट वन ये लेकर आया हूँ, इसका दो तीन पार्ट्स बनेंगे और मैं सभी पार्ट्स को एकदम पूरा डीपली पढ़ाऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि सभी पार्ट को आपको डीप से पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन को करेंगे। और ये जब आपको समझ में आ जाएगा ना, फंक्शन की कहानी जिसको समझ में आ गया भाई ना, वो किसी भी चैप्टर में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि फंक्शन, जब फंक्शन आपको समझ में नहीं आएगा ना भाई, तो आप कैलकुलस कुछ कर ही नहीं पाओगे। हाँ रटोगे, यही हो सकता है। आइए फंक्शन की कुछ कहानी को सीखते हैं, देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने दो सेट ले लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने दो ठो सेट ले लिया, सेट ए सेट बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एकदम पूरा ध्यान से, जैसे 1-1, 2, 4 मैंने क्या ले लिया है, दो, एक ये सेट लिया और एक मैंने ये ले लिया। भैया एक चीज अच्छा देखो, इसका रिलेशन इसके साथ जो यहाँ पे रिलेशन जो रिलेट कर रहा है आर से, यहाँ पे इसका जो रिलेशन है। एक चीज और मैं बता दूं कि जो फंक्शन होता है, कैन बी डिफाइंड फ्रॉम टू सेट्स। देखो फंक्शन जो होता है ना भाई, हमेशा दो सेट्स में डिफाइन होते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेम उसी तरह से ए टू बी या सच दैट ए टू बी, फंक्शन को हमेशा इस तरह से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो सेट ए का एलिमेंट है वो हमेशा उसको इनपुट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इनपुट एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस चीज यहाँ पे देखो यार, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे पॉइंट्स वाली बातें हैं और जब तक आपको पॉइंट नहीं समझ आएगा मजा नहीं आएगा। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है, या एक्स, और देखिए इसको एक्स भी बोला जाता है। अब एलिमेंट आप सेट बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, आउटपुट। देखो भाई इनपुट और आउटपुट से रिलेशन क्या है, थोड़ा सा ये बात को यहां पे समझिएगा, इनपुट और आउटपुट से रिलेशन क्या है। सेट ए इनपुट, सेट बी आउटपुट। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन होता है हमेशा जो इसकी मैपिंग होती है, रिलेशन की डिफिनीशन यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को बताया, क्या बताया कि फंक्शन जो होता है वो दो सेट्स के बीच डिफाइन होता है, सेट ए और सेट बी, दो तो फंक्शन मैंने ले लिया है और दो सेट्स के बीच, ठीक है, दो सेट्स के बीच डिफाइन होता है। अब जो जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, यफ सच दैट ए टू ए टू बी, ए से बी। अब देखिए एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट को हम इनपुट बोलते हैं और सेट बी के एलिमेंट को हम आउटपुट बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे समझते कैसे हैं, आइए
देखो जो फंक्शन होता है यहाँ पे ए रिलेशन या फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी सैड टू बी फंक्शन, यानी सेट ए टू बी सैड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक बात है यहां से मुझे क्या समझ में आई, इमेज, इसका प्री इमेज क्या है, प्री इमेज बताओ, प्री इमेज सेट ए के एलिमेंट जिसका जिसका इसके साथ मैपिंग हो रखा है सेट बी के साथ। लेकिन ध्यान रहे मैपिंग जिसका होता है वही, इसमें क्या होता है ना कि सेट ए का सभी एलिमेंट का मैपिंग सेट बी के एलिमेंट से होना चाहिए, सेट ए का सभी एलिमेंट का मैपिंग सेट बी के एलिमेंट के साथ होना यहाँ पे जरूरी है। अब देखो इमेज, इसमें प्री इमेज आपका क्या है, ये है इमेज, क्या है इमेज, क्या है इमेज आपका 1 4 16। वही बातें यहाँ पे बोल रहा है कि सेट ए रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी ओनली वन इमेज बनाना चाहिए सेट बी से। देखो भाई हम क्या बोले कि सेट ए का इससे मेरा दो इमेज नहीं बन सकता, यदि ये बना तो ये फंक्शन नहीं होगा, इसके साथ एक ही इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातें कर लूं कि अगर हम रिमोट की बातें करें, यदि हम रिमोट की बातें करते हैं तो कभी भी मोबाइल मोबाइल देख लो, किसी भी चीज को देख लो, तो यार उसमें एक ही बटन से कभी भी दो काम नहीं किए जा सकते। यदि ऐसा बटन नहीं होना चाहिए कि एक ही बटन से हम दबाए तो पंखा भी मेरा चल रहा है, लाइट भी चल रहा है, ऐसा संभव कभी नहीं है। और जब ऐसा तुम कर ले रहे हो तो वहां पे वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का मतलब कि एक ही बटन से एक ही काम हो रहा तब वहां पे फंक्शन होता है। वही बातें यहां पे बोल रहा है कि जो इमेज है सिर्फ वन सेट से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहां पे इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई, बोलो। जो आपका फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन मान लिया और एफ एक्स को हम लोग वाई भी लिखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट कुछ कुछ बातें आप लोग को समझ में आ रही है, आइए आगे को समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 3 6 7 ले लिया, एक ये इसकी कहानी थोड़ा सा समझिएगा, जब ये कहानी आप समझ में आ जाएगी कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं। देखिए ये मैंने पहला लिया 1 2 3, ठीक है, यहां पे ए बी सी 1 2 3 ए बी सभी का हम इसी तरह से कर रहे हैं ए बी सी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फील कीजिएगा, मैथ बोलता ही है कि हमें फील करो। एक ये है आपका मैथ इसका इसके साथ, ये सेट ए है बी है, इसी तरह से इसमें क्या है कि एक का रिलेशन इसके साथ है, एक का रिलेशन इसके साथ है और एक का रिलेशन इसके साथ, ठीक है। अब एक इस तरह से, मैंने यहां पे 4 सेट ले रखा है और एक जो है आपका ये, यहां पे देखिए मैंने 4 सेट लिया है। अब इस सेट में हम लोग डिफाइन करेंगे
इसमें से कौन सा करेंगे, कौन सा मेरा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम इसमें अगर आप चेक करो, इसमें चेक करो, इसमें भैया मैंने बोला था आपको कि यूनिक रिलेशन होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। देखो भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूनिक मैपिंग होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट में यदि आप देखोगे तो वन का मैपिंग यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी एक स्विच है एक ही के साथ कनेक्ट हो, फैन भी चल रहा है मेरा और वो ये क्या कहते हैं आपका बल्ब भी चल रहा है। यार एक स्विच मैंने दबाया, फैन भी चलना स्टार्ट हो गया और स्विच भी स्टार्ट हो गया, यार बल्ब भी स्टार्ट हो गया, तो ये क्या है मेरा फंक्शन नहीं। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देख लो ना भाई कभी भी एक से ही कभी भी दो ठो का मैपिंग नहीं होता, फंक्शन मेरा यही बोलता है। यहाँ पे एक यूनिक क्या होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए। अब देखिए इसमें वन का ए के साथ, टू का ए के साथ, भाई यहाँ पे सभी एलिमेंट का मैपिंग हो रहा है और ये एक यूनिक मैपिंग हो रहा, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शन है। लेकिन अब इसमें चेक करो, अरे भाई ये तो एकदम पूरा का पूरा कहा जा सकता है कि ये मेरा मैपिंग क्या है, एक यूनिक रिलेशन है। यहाँ पे भाई यूनिक मैपिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो वन का ए के साथ, टू का बी के साथ, थ्री का सी के साथ, क्लियर। अब इसी तरह से फोर्थ में, आप फोर में इसमें इसमें आपने क्या बातें को समझा, इसमें देखिए दो बातें यहां से हुआ कि इसमें सभी एलिमेंट के साथ होना चाहिए, सेट ए के सभी एलिमेंट, इसमें थ्री तो बच ही गया था, इसमें सभी एलिमेंट के साथ हुआ था और यूनिक मैपिंग हुआ था। इसमें भी देखिए इसमें सभी एलिमेंट के साथ हो रहा है और यूनिक मैपिंग हो रहा है, लेकिन इसमें वन टू, लेकिन मेरा सेट ए का एक एलिमेंट छूट जा रहा है, इसलिए ये यूनिक मैपिंग यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। कहाँ हो रहा है यार, सभी देखो मैपिंग हो रहा है, वन का हुआ, टू का हुआ, थ्री का नहीं हुआ, यानी सेट ए का सभी एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए यहाँ पे। क्या मैं बोला कि सेट ए का सभी एलिमेंट का मैपिंग होना जरूरी है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं तब और फील होगा। मैंने कुछ अपने से एग्जाम्पल लिया था, आइए एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाते हैं तो और फील होता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने इसको एक इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्या लिखा, टू थ्री फोर, वन टू, मैपिंग देखो किस तरह का हो रहा है, टू का देखो वन के साथ, थ्री का वन के साथ, लेकिन फोर का किसके साथ मैपिंग हो रहा है, टू के साथ। यहाँ पे मेरा कौन सा, ये क्या है, अब इसमें आप चेक करके बताओ कि कौन सा रिलेशन क्या है, ये फंक्शन है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये है, इसमें भी चेक करना है क्या है, यहाँ पे टू है, फिर थ्री है, फिर क्या है फोर है, इसमें क्या है भैया टू थ्री और फोर। इसका देखिए मैपिंग कैसे हुआ है, टू का टू के साथ, टू का टू के साथ, टू का फोर के साथ, टू का फोर के साथ, अब देखिए थ्री का थ्री के साथ, फोर का फोर के साथ। यहां पे देखो सब यहां पे देखने वाली बातें क्या हैं, क्या मुझे फील हो रहा है, यहां पे एक यूनिक मैपिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक यूनिक मैपिंग होना चाहिए। अब जैसे तीसरा तीसरा रूट है, तब समझ में आता है, तीनों पे बातें करते हैं हम लोग। देखिए ए है बी है, यहाँ पे वन टू और थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे देखिए टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन, ठीक है। अब देखो किसका मैपिंग किसके साथ है, वन का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, और थ्री का फोर के साथ, फोर का फाइव के साथ मैपिंग, और फाइव का सिक्स के साथ है, और सिक्स का सेवन। अरे यार हमें क्या यहाँ पे बताना है भाई, हमें यहाँ पे क्या बताना है, एक की कौन सा एक रिलेशन है, कौन सा यहाँ पे फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है।
देखो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक यूनिक मैपिंग होना चाहिए। क्या इसमें एक यूनिक मैपिंग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अरे भाई टू है वन के साथ, थ्री है वन के साथ, एक यूनिक मैपिंग हो रहा है यहाँ पे। फोर का टू के साथ एक यूनिक मैपिंग हो रहा है। लेकिन जब दूसरे में हम लोग देखेंगे तो देखो टू का टू के साथ भी हो रहा है, फोर के साथ भी हो रहा है, यहाँ पे यूनिक मैपिंग नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही से दो कभी भी नहीं होता है। ठीक है, यही हम लोग पढ़े ना। अब देखिए जब तीसरे में क्या देखेंगे, वन का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, थ्री का फोर के साथ, फोर का फाइव के साथ, फाइव का सिक्स के साथ, सिक्स का सेवन के साथ, तो यह भी क्या है, एक यूनिक मैपिंग हो रहा है, इसलिए मेरा एक फंक्शन है। लेकिन ये मेरा एक फंक्शन नहीं है। अब ये मेरा एक फंक्शन है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए एक छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आल रिलेशन आर नॉट अ फंक्शन। आल रिलेशन यानी सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन सभी फंक्शन एक रिलेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए अब नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और ग्राफ 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 की बातें करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होगा, पार्ट टू। यहाँ पे मैंने कुछ बातें को, यहाँ पे कुछ रिलेशन को रिलेट कराने की कोशिश किया। अब आइए अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके।